हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू सेकेंड लेक्चर ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इस लेक्चर में हम लोग छह न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सी ई टी एज सॉरी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जे डबल ई एज वेल एज नीट ओके सो वी विल स्टार्ट विथ फर्स्ट लाइक फर्स्ट एग्जाम्पल एग्जाम्पल लिख लो यहाँ पे मेरा सजेशन है बहुत आसान सा एग्जाम्पल है ये सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देना है अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट रेस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितना है उसका जीरो एंड मूव विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन इज कॉन्स्टेंट इफ एस वन इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट सेकेंड एस टू इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन सेकेंड सेकेंड थर्ड सेकंड एस थ्री है और यहां पर सॉरी एंथ चाहिए था एंथ सेकेंड तो फाइंड एस वन एस एस वन इज टू एस टू इज टू एस थ्री टिल एस एन ठीक अब अपने को मालूम है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एंथ सेकेंड दैट इज u प्लस ए बाई टू ब्रैकेट में टू एन माइनस वन ये पढ़ा है अपन ने ओके ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट बोला है तो एस एन इज इक्वल टू यू जीरो है तो ए बाई टू ब्रैकेट में टू एन माइनस वन दिस इज इक्वेशन फॉर ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट ऑब्जेक्ट फ्रॉम रेस्ट के लिए इक्वेशन ये है ठीक है अब फर्स्ट सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड रहेगा वो कितना रहेगा उस इक्वेशन के हिसाब से ए बाई टू ब्रैकेट में टू इन टू एन के जगह क्या डालेंगे वन टू इंटू वन माइनस वन तो विच इज ए बाई टू समझ में सबको ये टू इंट वन इज टू माइनस वन वन है ना एस टू का इक्वेशन क्या आएगा सिमिलर वे में ए बाई टू ब्रैकेट में टू इन टू टू माइनस वन टू झा फोर माइनस वन थ्री तो इट बिकम्स थ्री ए बाई टू ठीक है इक्वेशन कितना आएगा? में में में, ये ये एक एक साथ में ये सब एक साथ है? सब नहीं तो तुम पहले 1, minus 1 कर दोगे तो जीरो और बोल दोगे दो आंसर आ गया है ना टू थ्री सिक्स माइनस वन फाइव टू समझ में और एस एन का इक्वेशन कितना है ए बाई टू ब्रैकेट में टू एन माइनस वन ओके okay. तो वो तो वैसे के वैसे ही लिखा जाएगा उसमें तो कुछ सॉल्विंग है नहीं तो अगर अपन ने इन सबका रेशियो निकाला एस वन एज टू एस टू इज टू एस थ्री इज टू डॉट 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 एस टू एस एन इज इक्वल टू एस वन के जगह क्या है लिखेंगे अपन ए बाई टू है ना एस वन के जगह ए बाई टू एस टू के जगह कितना आएगा थ्री ए बाई टू एस थ्री के जगह कितना आएगा फाइव ए बाई टू डॉट डोट डॉट एस एन के जगह कितना आएगा ए बाई टू ब्रैकेट में टू एन माइनस वन सभी में से ए बाई टू कैंसिल हो जाएगा क्योंकि रेशियो है सब एक दूसरे के रेशियो है तो ए बाई टू सब में कॉमन है तो ए बाई टू कैंसिल हो गया तो क्या बच्चा यहां पे फिर वन एज टू थ्री इज टू फाइव इज टू लास्ट में टू एन माइनस वन ठीक है समझ में आया सभी को सिंपल प्रॉब्लम था एस आई सेट बहुत सिंपल प्रॉब्लम था सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए करेक्ट ओके अब यहां पे क्या था डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एंथ सेकंड था ओके अब ये प्रॉब्लम देखा सभी ने समझ में आया सबको अब ये प्रॉब्लम देखो इसमें फर्क क्या है पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ एस वन इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन सेकेंड एस टू इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टू सेकंड एस थ्री इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन थ्री सेकंड एस एन इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एन सेकंड फाइंड एस वन इज टू एस टू इज टू एस थ्री इज टू एस एन ठीक है अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टी सेकेंड्स दिवन बाई यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर है ना यहां पे भी क्या बोला है ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट तो यू जीरो है है ना तो देर फोर एस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर दिस इज द फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टी सेकेंड्स है ना टी सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो रहा है उसका फॉर्मूला ओके ना इन वन सेकेंड वन सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड जब है तो वहां पर टी इज इक्वल टू वन सब्सटीट्यूट करेंगे अपन तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड एस वन इन वन सेकेंड इज इक्वल टू हाफ ए वन स्क्वेर विच इज ए बाई टू समझ में आ सबको इस फॉर्मूले में t इज इक्वल टू वन सेकेंड डालेंगे पहले फिर s2 के लिए हाफ a टू स्क्वायर डाला तो इट बिकम्स ट्वाइस ए है ना तो इसको अपन ट्वाइस ही नहीं लिखेंगे अपन लिखेंगे इसको फोर ए बाई टू बाद में कैंसिल करने में बहुत आसान जाएगा अभी जैसा मैं बोल रहा हूं तुम बोलोगे सर सॉल्व तो कर सकते थे है ना लेकिन जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा समझो अभी है ना उसको फोर ए बाई टू रहने दो एस थ्री कितना आएगा हाफ ए थ्री स्क्वाच इज नाइन ए बाई टू एंड एस एन कितना आएगा हाफ ए एन दैट इज एन स्क् ठीक है अगेन अब रेशियो निकालना है रेशियो निकालना है तो क्या करेंगे एस वन इज टू एस टू इज टू एस थ्री टिल एस एन दैट इज इक्वल टू ए बाई टू टू फोर ए बाई टू इस टू नाइन ए बाई टू इस टू एन स्क्वायर ए बाई टू ए बाई टू सब में से कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा दिस इज योर आंसर वन is टू फोर इस टू नाइन is टू एन स्क्वायर समझ में आया सबको तो दिस इज द सोल्यूशन फॉर सेकेंड प्रॉब्लम इसमें और पिछले प्रॉब्लम में फर्क था वो यहां पे फर्क था वहां पे वन सेकेंड यहां पे वन सेकेंड है वहां पे फर्स्ट सेकेंड था यहां पे टू सेकेंड है वहां पे सेकेंड सेकेंड था यहां पे थ्री सेकेंड है वहां पे थर्ड सेकेंड था यहां पे एन सेकेंड है वहां पर एंथ सेकेंड था यह फर्क था है ना तीसरा अ कार मूविंग विथ स्पीड यू कैन बी स्टॉप बाई अप्लाइंग ब्रेक्स आफ्टर मिनिमम डिस्टेंस एस ओके okay. इसका मतलब क्या है देखो यहां पे एक कार मूव कर रही है है ना तो ये जो कार है अस से कार जो है इनिशियल स्पीड यू से मूव कर रही है ठीक है इधर साइड जा रही है इधर साइड ओके okay. उसको ब्रेक लगाया तो उसको जो है थोड़ा शेप चेंज हो गया कार का लेकिन समझ लो ओके okay. यहां पे वो रुक गई ओके okay, रुक गई यहां पे उसकी स्पीड जीरो हो गई तो मिनिमम डिस्टेंस जो रुकने के लिए था वो था एस कब जब वो यू स्पीड से चल रही थी ठीक है अब सपोज सेम सिचुएशन लेकर आते हैं हम लोग है ना सॉरी यहां पे लिखता हूं मैं और इस बार वो यू से नहीं चल रही है इस बार वो n टाइम्स यू स्पीड से चल रही है तो इस बार डिस्टेंस कितना रहेगा स्टॉपिंग डिस्टेंस वो बताना है ठीक है हाँ एक बात सही है गिवन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन दोनों में रिटार्डेशन सेम है ओके रिटार्डेशन सेम है तो इसमें जो रिटार्डेशन है वही इसमें रिटार्डेशन है तो इसमें रिटार्डेशन कितना है लेटस से लेटे से लेट अल्फा बी द ओके, अल्फा बी द रिटार्डेशन। तो ये केस में केस वन में केस वन में इनिशियल वेलोसिटी यू है इनिशियल वेलोसिटी यू है फाइनल वेलोसिटी जीरो है फाइनल वेलोसिटी जीरो है और जो एक्सेलरेशन है दैट इज माइनस एक्सेलरेशन इज माइनस अल्फा एंड डिस्टेंस कवर्ड इज एस डिस्टेंस कवर्ड इज एस तो फॉर्मूला क्या लगेगा टू यू स्क्स टू ए एस तो वी स्क्वेयर कितना है जीरो स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेर प्लस टू ए यानी माइनस अल्फा एस तो जीरो इज इक्वल टू यू स्क्र माइनस टू अल्फा एस टू अल्फा एस उधर आया तो बन गया टू अल्फा एस इज इक्वल टू यू रिटार्डेशन था बॉडी में इस इस कार में रिटार्डेशन इतना था 2s, ये तो समझ में आ गया सबको कैसे सॉल्व किया इक्वेशन लगाया क्योंकि इसकी इनिशियल वेलोसिटी यू थी फाइनल वेलोसिटी जीरो थी रिटार्डेशन माइनस अल्फा माइनस क्यों लिखा यहां पे क्योंकि रिटार्डेशन है रिटार्डेशन में माइनस लिखते अपन और डिस्टेंस ट्रैव एस ठीक अब इस केस के लिए आते हैं केस टू इनिशियल वेलोसिटी कितना है एन यू फाइनल वेलोसिटी जीरो रिटार्डेशन कितना है यू स्क्वायर बाई टू एस माइनस लगाना पड़ेगा यू स्क्वायर बाय टू एस डिस्टेंस ट्रेवरेट निकालना है है ना डिस्टेंस ट्रैवेट निकालना समझे रिटार्डेशन इतना ही है क्योंकि क्या बोला है यहां पे यूनिफॉर्म रिटार्डेशन सेम रिटार्डेशन ठीक है तो अगेन इक्वेशन लगाएंगे वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस वी स्क्वायर कितना है जीरो यू स्क्वायर कितना आएगा इसका स्क्वायर यानी एन स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस टू ए कितना आएगा माइनस यू स्क्र बाई टू एस इन टू एस एस डैश बोलेंगे इसको नया डिस्टेंस एस डैश एस डैश डैश बोल देंगे नया डिस्टेंस एस डैश ठीक है अब यहां पे ये क्या आ जाएगा फिर इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस टू यू स्क्स टू टू कैंसल इन टू एस डैश तो कितना अपॉन एस इंटू एस डैश इज इक्वल टू एन स्क्वायर यू स्क्वायर यू स्क्र कैंसिल एस इधर आ गया तो एस डैश इज इक्वल टू एन स्क्वायर टाइम्स ठीक है ये आ गया हमारा आंसर अब ये बन गया शॉर्टकट भी आज हमारे लिए ठीक है शॉर्टकट कैसे देखो इसको कैसे समझना है अपन ने यानी गाड़ी अगर यू स्पीड से जा रही थी और एस डिस्टेंस बाद में रुकती है गाड़ी अगर यू स्पीड से स्टार्टिंग में यू स्पीड से और ब्रेक दबाया एस डिस्टेंस बाद में जाके रुकी तो गाड़ी अगर एन यू स्पीड से जाएंगी कितने स्पीड से एन टाइम्स यू स्पीड से तो वो कितने डिस्टेंस बाद जाके रुकेगी एन एस समझे एन स्क्वायर एस डिस्टेंस बाद में जाके रुकेगी एग्जाम्पल जैसे गाड़ी अगर फोर्टी किलोमीटर पर अवर से जा रही है ओके okay, और ब्रेक लगाने के बाद में सिक्सटी मीटर बाद में रुकती है कितने 60 बाद में किलोमीटर okay, आवर से जाएंगे 80 किलोमीटर पर आवर से तो कितने डिस्टेंस बाद में रुकेगी ठीक है अब देखो u n टाइम्स u फोर्टी टू टाइम्स फोर्टी तो यहां पे n का वैल्यू कितना हो गया 2 n का वैल्यू कितना हो गया 2 ओके तो यहां पे n का वैल्यू अगर 2 हो गया तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा 60 इंटू टू स्क्वायर या फिर इसको लिख सकते हैं टू स्क्वायर इंटू सिक्सटी एन स्क्वायर टाइम्स एस एस तो ये है एन स्क्वायर कितना आएगा एन क्या है तो आंसर आएगा डायरेक्टली टू फोर्टी मीटर सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इतना सॉरी इतना कीचड़ करने का जरूरत भी नहीं है ओके <laughs> okay. समझे अब एक और एग्जाम्पल लेके बता देता हूँ तुमको और क्लियर हो जाएगा ठीक है गाड़ी अगर थर्टी किलोमीटर पर आवर से जा रही है और ब्रेक लगाया ब्रेक लगाया और गाड़ी थर्टी मीटर बाद में रुकी थर्टी okay. मीटर बाद में जाकर रुकी अब सेम गाड़ी अगर नाइनटी किलोमीटर पर आवर से जाएंगी तो कितने डिस्टेंस बाद में रुकेंगे अब देख लो यहां पे यहां पे n का वैल्यू थ्री है क्योंकि थ्री टाइम्स हुई ना स्पीड स्पीड कितनी हुई थ्री टाइम्स तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा थ्री स्क्वायर टाइम्स थर्टी समझे थ्री स्क्वायर टाइम्स थर्टी हो जाएगा एन स्क्वायर टाइम्स एस है ना तो एन का वैल्यू थ्री है तो थ्री स्क्वायर कितना है नाइन नाइन इंटू थर्टी एस टू सेवेंटी मीटर बाद में गाड़ी रुकेगी समझ में आया सबको ये प्रॉब्लम हाँ इसका शॉर्टकट कैसे यूज करना है ये भी समझा सबको तो ये था हमारा प्रॉब्लम नंबर थ्री आज का ओके okay. प्रॉब्लम नंबर फोर थोड़ा अलग टाइप का प्रॉब्लम है तो इसको अपन ध्यान से पढ़ेंगे पहले क्या बोला है? देखो यहां पे। अ पार्टिकल मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन फ्रॉम ए टू बी इन अ स्ट्रेट लाइन ए बी है ना सॉरी अ पार्टिकल इज मूविंग लिखो यहां पर ए बी लाइन पे स्ट्रेट लाइन पे पार्टिकल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जा रहे हैं यहां पे चल के वो यहां तक गया ठीक है इफ वेलोसिटी एट ए इज यू एंड वेलोसिटी एट बी इज वी फाइंड द वेलोसिटी एट मिड पॉइंट सी तुमको वेलोसिटी यहां पे निकालना है ओके okay. अब सी अगर मिड पॉइंट है तो ये जो डिस्टेंस रहेगा एस वही ये डिस्टेंस रहेगा एस समझे बिकॉज सी जो है दैट इज मिड पॉइंट लेटेस्ट से यहां पे वेलोसिटी कितना है यहां पे वेलोसिटी वी डैश है ठीक है अब देखो यहां पे ये हमारा बन गया ये हमारा बन गया पार्ट वन ओके पार्ट वन में या कंडीशन uh, वन में इनिशियल वेलोसिटी यू है फाइनल वेलोसिटी वी डैश है एक्सेलरेशन लेटर से एस है और डिस्टेंस टैब एस है एक्सेलरेशन ए डिस्टेंस टैब एस तो इक्वेशन क्या लगेगा वी स्क्वल टू यू स्क्स टू ए एस तो वी स्क्वायर कितना है यहां पर वी डैश स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस टू ए एस ठीक है अपने को वी डैश निकालना है ठीक है अब ये बन गया हमारे लिए सेकेंड पार्ट सेकेंड पार्ट ठीक है सेकेंड पार्ट सेकेंड पार्ट में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है वी डैश अब ये बन गई इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी कितनी है वी एक्सेलरेशन सेम है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है ओके विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यानी एक्सेलरेशन सेम जो पहले था वही बाद में है ओके okay. और डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी ऐसे अगेन इक्वेशन लगेगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस यहाँ पे वी स्क्वायर कितना आएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितना है वी डैश स्क्वायर प्लस टू ए ओके दो इक्वेशन बन गए ओके नाउ अपन एक काम करेंगे दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो पहले लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा यहाँ पे यहाँ पे क्या आएगा वी माइनस यहां की लेफ्ट हैंड साइड कितनी है वी डैश स्क्वायर अब इसके लेफ्ट हैंड साइड कितनी है वी डैश स्क्वायर प्लस टू ए एस माइनस इसके लेफ्ट हैंड साइड कितनी है यू स्क्वायर माइनस टू ए एस माइनस माइनस लग जाएगा दोनों जगह ये कैंसिल हो गया वी डैश की टर्म एक जगह बाकी टर्म एक जगह समझे क्योंकि अपने को वी निकालना है तो क्या आ गया टू वी डैश स्क्वेयर टू नीचे आ गया तो वी डैश स्क्र इज इक्वल टू वी स्क्वेर प्लस यू स्क्वायर बाई टू समझे तो वी डैश कितना हो गया स्क्वायर रूट ऑफ वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायेर बाई टू ठीक है समझ में आया प्रॉपर फॉर्मूला देखो इसका ओके एक एक फॉर्मूला देखो और उसको सब्स्टिट्यूट करके प्रॉपर आंसर निकालो स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप जाना है अपने को ध्यान में रखना है ओके okay. तो ये था हमारा प्रॉब्लम नंबर फोर ठीक है नहीं समझ में आता है तो उसको पॉज करो एक एक स्टेप लिखो डाउट आता है तो मुझे मैसेज करो मैं क्लियर कर दूंगा ओके नाउ अ पार्टिकल एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट विथ एक्सेलरेशन अल्फा फॉर सम टाइम ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है इंपॉर्टेंट वर्ड है अगले प्रॉब्लम में ध्यान में आएगा एंड डीसेन बीटा फॉर टाइम इफ टोटल टाइम मैक्सिमम वेलोसिटी है ना यानी क्या हुआ होगा देखो पे एक आदमी यहां से शुरू किया वेलोसिटी जीरो थी. एक्सेलरेट किया, थोड़े समय के लिए ठीक है थोड़ा समय लेटर से टी वन है ठीक है थोड़ा समय टी वन है यहां पे उसकी वेलोसिटी जो हो गई वो हो गई मैक्सिमम वी मैक्स ओके और यहां पे एक्सेलरेशन था अल्फा ठीक है अब उसको क्या आया मन में क्या मालूम अब उसने ब्रेक लगाना चालू किया और यहां पे ब्रेक लगा के यहां पे रुक गया ओके उसकी स्पीड जीरो हो गई उसका टाइम लग गया टी टू उसको यहां पर और उसका डिसलरेशन जो था वो था बीटा मतलब एक्सेलरेशन था माइनस बीटा ओके टोटल टाइम जो लगा उसको वो लगा टी ओके okay, तुमको निकालना है वी मैक्स तुमको क्या निकालना है मैक्स, वी मैक्स निकालना ठीक है समझ में आया सबको ये प्रॉब्लम समझ में आया क्या ओके okay? तो अब पहले पार्ट में इसको बोलेंगे पार्ट वन जिसमें वो एक्सेलरेट कर रहा था और इसको बोलेंगे पार्ट टू जिसमें वो डिसरेट कर रहा था तो फॉर पार्ट वन इनिशियल इनिशियल वेलोसिटी जीरो फाइनल वेलोसिटी वी मैक्स फाइनल वेलोसिटी वी मैक्स एक्सेलरेशन अल्फा टाइम टी वन ठीक है तो इक्वेशन क्या लगेगा अपना? वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी तो वी मैक्स इज इक्वल टू यू कितना है जीरो अल्फा टी वन दे वी मैक्स ज इक्वल टू अल्फा टी वन ठीक है ये हमारा एक इक्वेशन हो गया इसको अपन डब्बा करके रख लेंगे काम में आएगा बाद में समझ में अब फॉर पार्ट टू ठीक है इनिशियल वेलोसिटी कितनी है उसकी वी मैक्स फाइनली जाके रुक गया मतलब वी कितना हो गया जीरो अब डी है डी कितना है माइनस बीटा और टाइम लग गया टी टू ठीक है अब यहां पे अपन क्या करेंगे इक्वेशन लगाएंगे v इज इक्वल टू यू प्लस एटी यानी जीरो इज इक्वल टू वी मैक्स माइनस बीटा t1 वन सॉरी बीटा t2 t2 टू तो देर फोर यहां से v मैक्स बन गया बीटा t2 टू यह हमारा हो गया दूसरा इक्वेशन ओके दो इक्वेशन बना के रख लिया अब टोटल टाइम जो है टी दैट इज इक्वल टू टी वन प्लस टी टू है ना टोटल टाइम कितना है टी दैट इज इक्वल टू टी वन प्लस टी टू टी वन के जगह क्या लिखेंगे अपन मैक्स अपॉन अल्फा ये यहां से और टी टू को टी टू के जगह क्या लिखेंगे यहां से मैक्स अपॉन बीटा क्योंकि मैक्स निकालना है मैक्स निकला कॉमन तो ब्रैकेट में क्या बचा वन बाय अल्फा प्लस वन बाय बीटा देर फोर वी मैक्स इज इक्वल टू हा सॉरी टी इज इक्वल टू वी मैक्स इन टू अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा फाइनली वी मैक्स निकालना है तो क्या आ जाएगा वी मैक्स इज इक्वल टू अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी स इज इक्वल टू अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी दिस इज योर आंसर अब देखो ये वीमैक्स अपने को जो चीजें दी थी उसी के इसमें निकालना है ओके okay. अपने को अल्फा दिया था बीटा दिया था और टी दिया था तो हमारे आंसर में अल्फा बीटा टी ही होना चाहिए देखो यही है ओके क्लियर विद दिस तो आज का हमारा लास्ट प्रॉब्लम आता है अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ट एट कॉन्स्टेंट रेट अल्फा फॉर सम डिस्टेंस पिछले बार समाइम था एंड देन डीसेलरेट एट कॉन्स्टेंट रेट बीटा टू कम टू रेस्ट है ना तो यहां पर भी समिस्टेंस वाला कंसेप्ट है इफ टोटल डिस्टेंस ट्रवेट इज एस यानी एस अल्फा और बीटा दिया हुआ है फाइन मैक्सिमम वेलॉसिटी इसमें भी मैक्सिमम वेलॉसिटी निकालना है ओके okay. बट पिछले बार से इस बार के डायग्राम में फर्क क्या है देखो यहां पर यहां पे इनिशियल वेलोसिटी जीरो था एक्सेलरेट किया उसने अल्फा से तो यहां पे उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी आ गई टोटल डिस्टेंस ट्रेवल लेटर से एस वन होगा इसका फिर यहां से पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया उसने ब्रेक लगाना चालू किया और यहां पे जाके रुक गया टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया एस है ना अब अगेन पार्ट वन के लिए फॉर पार्ट वन इनिशियल वेलोसिटी जीरो है फाइनल वेलोसिटी वी मैक्स है एक्सेलरेशन माइनस अल्फा है और डिस्टेंस ट्रेवल्ड एस वन है अब यहां पे टाइम के बारे में कुछ नहीं बोला है सॉरी और टोटल डिस्टेंस ऐसे है यहां पे टाइम के बारे में कुछ नहीं बोला है डिस्टेंस के बारे में बोला है तो डिस्टेंस लिखूंगा ओके पिछले बार टाइम बोला था तो टाइम लिखा था इक्वेशन क्या लगेगा यहां पे वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस तो वी मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो स्क्वायर प्लस टू अल्फा एस वन तो वी मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस अल्फा एस वन समझा पहला पार्ट बस तुम ये सही लिखो और इक्वेशन लगाओ ठीक है ना फॉर पार्ट टू ठीक है इनिशियल वेलोसिटी जीरो है सॉरी 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 एक्सट्रीमली वेलोसिटी सॉरी इनिशियल वेलोसिटी वी मैक्स है रुक गया इसलिए फाइनल वेलोसिटी जीरो है एक्सेलरेशन माइनस बीटा है माइनस बीटा क्योंकि सॉरी डिसलरेशन हो रहा है ना इसलिए माइनस बीटा और डिस्टेंस ट्रेवल्ड एस टू है अगेन इक्वेशन सेम लगेगा वी स्क्वायर इज तो जीरो स्क्वायर इज इक्वल बीटा एस तो यहां से वी मैक्स स्क्वेयर का इक्वेशन अगर सॉल्व किया तो आ जाएगा टू बीटा एस टू ठीक है समझ में दो इक्वेशन बन गए हमारे पास में इन दोनों को डब्बा कर लिया क्योंकि काम में आने वाले अब टोटल डिस्टेंस जो है वो है एस वन प्लस एस टू तो एस इज इक्वल टू यहां से एस वन यहां से एस वन कितना आएगा वी मैक्स स्क्वायर अपॉन ट्वाइस अल्फा और यहां से एस टू कितना आएगा वी मैक्स स्क्वे अपॉन बीटा कॉमन निकला वी मैक्स ब्रैकेट में आएगा वन प्लस अल्फा प्लस प्लस वन बाय बीटा अगेन इसको सॉल्व किया तो क्या आएगा वी मैक्स स्क्वेर अपॉन टू दैट इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा ठीक है तो देयरफॉर व्हाट इज वी मैक्स स्क्वे अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू एस है ना ये सब टर्म्स इधर चल जाएंगे अकेला वी मैक्स स्क्वा वहां पर देर फोर वी मैक्स इज इक्वल टू स्क्वाइस अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू एस समझ में तो ये हो गया हमारा आज का फाइनल प्रॉब्लम सिर्फ स्टेप बाय स्टेप तुमको फॉलो करना है एक एक स्टेप एक एक स्टेप धीरे धीरे फॉलो करते जाओ ओके okay? और इस प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व करो ये खास करके इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है अपने जेई नीट पॉइंट ऑफ व्यू ओके सो दिस वेर ऑल द प्रॉब्लम्स विच वी नीड टू अंडरस्टैंड टूडे आई होप आई गेस तुम सभी प्रॉब्लम्स लिखोगे और समझ के लोगे ओके दैट्स इट